संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, मेरे बच्चे अच्छे स्थान पर पहुंचे, मेरी बच्ची का अच्छी जगह शादी हो, उसकी शादी में बहुत धूमधाम से करूं और मेरा एक अच्छा घर हो जिसमें मैं गौरवपूर्वक जी सकूं, और मेरे जीवन की जितनी आवश्यकता है उसके लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। ऐसे कई कामनाओं से व्यक्ति मेहनत करता है। मेहनत का फल बहुत कम लोगों को मिलता है, अधिक लोगों को मेहनत का फल नहीं मिलता, और अधिक लोगों को मेहनत का फल मिलता भी है तो वो पूरा जो धन इकट्ठा किया मेहनत से वो हॉस्पिटल में, कोर्ट में, कोई बीमारी में, दवाई में, कष्ट में, दूसरे किसी अचानक आने वाले खर्च में निकल जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करने और प्राप्त लक्ष्मी को शुभ लक्ष्मी बनाने के लिए कमलात्मी का महाविद्या का सर्जन किया है। 10 विद्याओं में भैरवी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, काली और मातंगी और षोड़शी के साथ साथ कमलात्मी का लक्ष्मी विद्या भी है। महालक्ष्मी की पूजा जो लोग निरंतर करते हैं वो लक्ष्मी पूजा के रूप में भी करते हैं, और विद्या साधक इसी को एक विद्या के रूप में मान के भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उनको अगर विद्या यंत्र, विद्या मंत्र और विद्या साधना मिल जाए तो ये विद्या रक्षण विद्या बनकर, समृद्धि विद्या बनकर, प्राप्त धन की रक्षा और खर्चने वाले धन को शुभ लक्ष्मी में परिवर्तित करता है। यानी जो खर्च करते हैं वो शुभ कार्यों में लगता है, कभी अशुभ कार्यों में नहीं लगता है, और जो धन आता है वो स्थिर होकर निरंतर वृद्धि प्राप्त करता है, जिससे हम हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा सकें, बच्चियों को अच्छी जगह अच्छे से खर्च करके शादी करवा सकें, अच्छे घर में अच्छी व्यवस्था से किसी के सामने उधारी मांगने की नौबत नहीं आए, इस प्रकार से जी के कर सकें। इसलिए हमने भक्तों के मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से एक महालक्ष्मी साधना का आयोजन किया है। ये साधना 9 अगस्त शुक्रवार से 13 अगस्त मंगलवार तक रखा है। कहते हैं कि महालक्ष्मी का दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, और महालक्ष्मी का वर्ष में एक ही दिन शुक्ल पक्ष की श्रावण की अष्टमी है। श्रावण वैसे सभी देवी देवताओं का दिन है, लेकिन महालक्ष्मी शुक्ल पक्ष की श्रावण की अष्टमी में साक्षात देवी बनकर सभी भक्तों की समृद्धि में सहयोग करती है। इसलिए हमने साधना की शुरुआत शुक्ल पक्ष की पंचमी में करके साधना की पूर्णाहुति 13 अगस्त मंगलवार शुक्ल पक्ष की अष्टमी, ध्यान रखना मंगलवार महालक्ष्मी का प्रिय दिवस भी है, उसी दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी भी है, तो 5 दिन तक कमलात्मिका यंत्र पर साधना, कमलात्मिका मंत्र की दीक्षा, 5 दिन तक दिव्य कमल गट्टे की माला पर महालक्ष्मी की जाप और महालक्ष्मी को सिद्ध करने के सभी विधान को सुबह 9 बजे से रात में मंदिर में आरती के समय तक निरंतर करके 5 दिन में महालक्ष्मी की सिद्धि की साधना करेंगे। इस साधना की शक्ति को घर ले जाएंगे और इस यंत्र की निरंतर घर में कमलात्मिका महापूजन के द्वारा करेंगे तो निश्चित रूप से ये कमलात्मिका विद्या, महालक्ष्मी की दिव्य शक्ति, स्थिर लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी, वृद्धि लक्ष्मी, समृद्धि लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी बनके हमारे जीवन के सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली बनेगी। जिन जिन लोगों को महालक्ष्मी की साधना करने की इच्छा है 5 दिन तक, उनको 9 अगस्त सुबह 9 बजे से 13 अगस्त अष्टमी रात तक यहाँ 5 दिन रहना पड़ेगा। 5वें दिन अंत में जब 5वें दिन की हवन पूर्णाहुति होगी उसके बाद सभी वस्तुएं सिद्ध करके दी जाएगी। इसमें बैठने का आसन और उसके साथ ही जप की कमल गट्टे की माला, कमलात्मिका यंत्र, आपको लिखने के लिए पुस्तक, पेन से लेके जो जो सामग्री जरूरत पड़ेगी पूजा के लिए, दूध, दही, घी, शहद, इक्षु रस से लेके पूजा का आपका वस्त्र से लेके अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से लेके सभी चीज इस तीर्थ धाम से आयोजित करके दिया जाएगा। आप लोग यहाँ आराम से 5 दिन ठहर के भक्ति के साथ शक्ति को प्राप्त करने की दिव्य प्रयास कर सकते हैं। इसमें कमलात्मिका मंत्र की आपको दीक्षा भी दी जाएगी, साधना सिखाई जाएगी और साधना कराई जाएगी। इन साधनाओं से धीरे धीरे भारत भर में अधिक से अधिक साधक, अधिक से अधिक
साधना को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी और ऐसे ही हम सब मिलके अध्यात्म को, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के प्रयास को करते करते खुद के घर को भी समृद्धि से संपूर्ण करेंगे। इस दिव्य संकल्प को, इस अवसर को ना चुकें और अपने जीवन में इस अवसर का लाभ लेने 9051390513 में संपर्क करें और अपना नाम इस साधना शिविर में लिखाएं। इसमें पुरुष स्त्री कोई भी लाभ ले सकते हैं, लेकिन ये साधना व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति के लिए कराई जाएगी। पूरा परिवार मिलके एक साधना का समूह नहीं बन पाएगा। प्रति व्यक्ति के लिए एक यंत्र और सामग्री दी जाएगी। आप लोग इन सभी साधनाओं में लाभ लेने के लिए संपर्क करें और कमलात्मिका साधना को जरूर करके जीवन में एक बार घर को लक्ष्मीमय और समृद्धमय करें। जय मां महालक्ष्मी।